हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेखनी शुकजूर। आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं अभी जस्ट उठी हूँ और उठ के सीधे आई हूँ हॉल में। तो हॉल में सबसे पहले मैंने लाइट जलाया और अभी मैं दिखाती हूँ कि कितने बज रहे हैं। तो अभी देखिए 5:30 बज रहे हैं, पर ये मेरे घड़ी 10 मिनट फास्ट है, पर मोबाइल के टाइम से अभी 5:30 बज रहे हैं। तो अब मैं और दूसरा लाइट भी जला लेती हूँ, क्योंकि एक लाइट से तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा, तो ये दूसरा लाइट मैंने जला लिया है। तो फिर चलते हैं किचन, क्योंकि अभी सभी कोई सोए हुए हैं तो पूरा लाइट ऑफ है। तो देखिए किचन भी पूरा अंधेरा है, तो चलिए लाइट जला देती हूँ। तो ये रहा, मैंने लाइट जला दिया है और ये रहा, मैंने बैटर रात में ही तैयार किया है। ये चना दाल और उड़द दाल के बैटर है, तो वो मॉर्निंग का भी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं जाती हूँ अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के लिए। और आज मैंने सोचा है कि अपने काम में से थोड़ा सा चेंजिंग करूं, क्योंकि मैं सबसे पहले तो उठ के सबसे पहले मैं जाती थी कि किचन में पहले अपना जो मॉर्निंग का नाश्ता रहता था उसको बनाती थी, उसके बाद भी कुछ करती थी। तो सोची हूँ कि नहीं, पहले आज मैं घर का ही काम करेंगी, जो मॉर्निंग का काम रहता है उसको करके तब मैं नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों लोग का स्कूल का टाइम तो 8 बजे से हो गया है, क्योंकि मेरी जो बेटी का बस है वो 7:50 तक में आती है। तो इसके बीच में तो घर के जो सारे काम हैं वो तो हो जाएंगे, क्योंकि 5:30 बजे उठो, उसके बाद फिर 8 बजे के अंदर तो सारे काम जो भी है, झाड़ू पोछा वाले जो भी, वो सब तो सारे हो जाएंगे। इसलिए मैंने आज मैंने कि अपने टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंजिंग लाया है। जब से मैं ये टाइम टेबल को चेंज किया है तब से मेरा काम इतने जल्दी हो जा रहे हैं, बहुत जल्दी। और मैंने कि 9 बजे तक मैं पूरा जो ब्रेकफास्ट वगैरह वो भी कर लेती हूँ, मेरा नहाना धोना भी हो जाता है। तो ऐसा होता था तो कभी कभी मैं नाश्ता भी नहीं करती थी, क्योंकि काम करते करते लेट हो जाता था तो कर नहीं पाती थी। और इधर मैं तो झाड़ू पोछा करके मैं सीधे चले जाती हूँ, पहले ब्रश करती हूँ। इधर मेरे झाड़ू वगैरह सब हो गए थे, झाड़ू पोछा, तो मैं आ गई हूँ इधर ब्रश करने के लिए। और मैं ब्रश करके तुरंत, जैसे ही मेरा ब्रश हो जाएंगे और मैं तुरंत जाके नहा लूँगी, क्योंकि ये करने से जब मैं नहा लेती हूँ तो बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। और इधर मैं अभी ब्रश करके नहा धोवा के आ गई हूँ किचन, और मैं अभी नहा धोवा के फ्री हो गई हूँ। तो लग रहा है मेरा कितना बड़ा काम हो गया, क्योंकि नहाना ही मेरे लिए बहुत बड़ा टेंशन होता है, क्योंकि जब तक मैं नहाती नहीं हूँ लगता ही नहीं कि मैं फ्री हुई हूँ। और अभी मैं नहा ली हूँ तो लग रहा है कि मेरा सारा काम हो गया है। तो अब तो बचा है नाश्ता बनाना, तो ये तो बैटर मैंने रात में ही सारा तैयार करके रखा है, ये रात में ही मैं पीस के रखी थी उड़द दाल और चना दाल, और उसमें लहसुन और अदरक डाल के, और इसमें थोड़ा सा मैं अभी धनिया पत्ता काट के डाल दूँगी, धनिया पत्ता हो और बैटर गाढ़ा हो तो थोड़ा सा पानी मिला दूँगी। और नमक तो मैं डाली नहीं थी, तो नमक भी अभी साथ में ही नमक भी डाल दूँगी। तो इधर मैं आ गई हूँ, धनिया पत्ता वगैरह को निकाल के थोड़ा सा काट लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी। तो मैं इसका आज मॉर्निंग का नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में बन रहा है ढूसका, जो झारखंड का डिश है, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं ये डिश, क्योंकि बनाने में भी बहुत आसान है। ये होता है कि रात में बैटर तैयार करके रख दो, सुबह में बस तलना रहता है, और उसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, चना दाल, उड़द दाल, चावल। तो मैं तो ज़्यादातर चना दाल और उड़द दाल और थोड़ा सा चावल डाल के ही इसको बनाती हूँ, और आप चाहे तो कुछ भी डाल के बना सकते हो। और थोड़ा सा मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देने से होता है कि स्वाद थोड़ा सा और बदल जाता है। और तो देखिए मेरे तेल भी गर्म हो गए थे, तो मैंने एक एक करके इधर डाल दिया है। तो अभी तो मैं ज़्यादा एक ही बार में नहीं डालूंगी, जितना मेरे कढ़ाई में आएंगे उतना ही डालूंगी। तो देखिए इधर पक गए थे, तो मैंने इसे पलटा दिया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा से ब्राउन हो गए थे, क्योंकि पकने के बाद इतने अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं कि मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। कुछ भी चटनी के साथ भी खा लेते हैं, छोला रहे तो छोला के साथ भी खा लेते हैं, जो मिल जाए। मेरा बेटा तो सॉस के साथ भी खा लेता है। तो इधर मैं तो अभी तो हरा धनिया, जो हरे वाला धनिया है, उसकी चटनी बना रही हूँ, धनिया और टमाटर की। और बच्चे भी टिफिन में इसी को ले जाने वाले हैं, क्योंकि बच्चे को तो खासकर बहुत पसंद आता है, मुझे भी बहुत पसंद आता है, पर मेरे हस्बैंड को उतना पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये तला वाला चीज़ जल्दी वो खाना पसंद नहीं करते, बहुत कम ही तला भुना वाला खाना पसंद करते। पर हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तला हो या कुछ भी हो, मैं तो सारा खा लेती हूँ। और इधर मेरी बेटी भी रेडी होके आ गई है, तो क्योंकि उसका स्कूल का टाइम भी हो गया है, और आज ढूसका बना है, तो मेरी बेटी आराम से घर में नाश्ता करके जाएगी। वरना होता है कि जब भी स्कूल जाए घर में नाश्ता नहीं करती, बस हाथ में रोटी हो या पराठा पकड़ के खाते खाते जाती है बस पकड़ने के लिए। और आज ढूसका है, तो पहले वो आराम से ढूसका चटनी खा के ही वो घर से निकलेगी। और दोनों बच्चे ऐसे ही करते हैं, जिस दिन कुछ अलग बने वो पहले तो आराम से मैंने कि पूरा अच्छे से खाएंगे, उसके बाद फिर लेके जाएंगे टिफिन में। फिर उन लोग को चाहिए कि स्कूल से आके भी चाहिए, उन लोगों के लिए बचा हुआ रहना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बना लेती हूँ।
और अभी मेरा नाश्ता बनाने का काम तो ख़त्म, मेरा नाश्ता तो सारा बन चुका है और मैं नाश्ते के लिए तो फ्री हो गई हूँ। ये मेरे कल के दूध है तो इसको मैं गर्म कर लेती हूँ। उसके बाद मैं तो नहा ली हूँ और जो भी घर का मॉर्निंग का काम था वो भी सारा हो चुका है। बस मैंने कपड़े नहीं धोए थे क्योंकि सुबह में तुरंत नहा के फिर नाश्ता बनाना था, तो मैंने कपड़ा नहीं धोया है। तो मैं अब चलती हूँ, सबसे पहले मशीन में डाल देती हूँ। तो मैं तो अपना खुद का कपड़ा तो हाथ से ही जब नहाती हूँ तभी मैं धो लेती हूँ, पर बच्चों लोगों का कपड़ा है जो अभी नहा नहा के स्कूल गए हैं तो उन लोगों का पड़ा हुआ कपड़ा है, तो मैं उन लोगों का कपड़े को डाल देती हूँ। और मैं तो मशीन में अपने कपड़े को, मैं कभी अपना खुद का कपड़ा मैं मशीन में नहीं डालती हूँ क्योंकि मशीन का धोया हुआ मुझे पसंद नहीं आता है। मैं अपना खुद का कपड़ा जब भी मैं नहाने जाती हूँ तभी ही मैं हाथ से धो के निकाल देती हूँ। बस बच्चों लोगों का डेली का कपड़ा रहता है उसी को ही मैं डेली धोती हूँ, जो डेली पहनते हैं निकाल के रख देते हैं। और इधर मैं सारे कपड़े को डाल देती हूँ और बाबू को भी रेडी करना है क्योंकि बाबू भी उठ गया है। तो इसी बीच में मैं सारे काम को कर लेती हूँ, उधर भी देख लेती हूँ, उधर भी बीच बीच में, इसलिए मैं सब तरफ के वीडियो नहीं बना पाती हूँ, जो इजी रहता है सामने सामने मैं उसका वीडियो बनाती हूँ। और इधर देखिए बाबू भी रेडी होके आ गया है, तो वो भी नाश्ता कर रहा है। तो ढूसका बना है तो वो तो आज खा के जाएगा ही क्योंकि ढूसका तो बाबू को बहुत पसंद है। और वैसे तो बाबू डेली नाटक करेगा खाने के लिए, पर आज बहुत अच्छे से खा लिया है। इधर मैं बाबू का टिफ़िन वगैरह को भी डाल देती हूँ और ऐसे भी बाबू का टाइम भी हो गया है। तो इसके पापा तो हैं क्योंकि इसके पापा की ड्यूटी आज, तो वो 1 बजे जाएंगे तो वो घर में है, तो हम लोग तो यहाँ दोनों मिल के ही बाबू को तैयार करते हैं। जिस दिन घर में रहते हैं इसके पापा तो वो भी साथ दे देते हैं रेडी करने में, क्योंकि अगर मैं कुछ उधर काम में बिजी रहती हूँ तो वो भी थोड़ा सा मेरा हेल्प कर देते हैं। उधर उसके पापा रेडी कर रहे थे तो मैं आ गई हूँ इधर दोपहर के लिए अंडा बॉईल करने के लिए। और आज मैं दोपहर के खाने में अंडा कढ़ी ही बनाने वाली हूँ, अंडा और आलू की कढ़ी बनाऊँगी। तो ये मैं इंडक्शन में चढ़ा देती हूँ, थोड़ा सा धीमे आँच करके रख देती हूँ, तो उधर से धीरे धीरे आराम से पकते रहते हैं। इधर मैंने चढ़ा दिया अंडा और आलू को, और तब तक मैं इधर जो मैं पोछा लगाई थी तो मैंने ये कारपेट नहीं बिछाया था तो इसको मैं बिछा देती हूँ। और बाबू का भी टाइम हो गया है क्योंकि बाबू का स्कूल रहता है, बाबू को स्कूल 9 बजे जाना पड़ता है, तो इसके पापा भी स्कूल छोड़ देंगे, वरना होता था कि मुझे ही छोड़ना पड़ता है, पर इसके पापा रहते हैं तो छोड़ तो देते हैं पर लाना तो मुझे ही पड़ता है क्योंकि इसके पापा तो 1 बजे ड्यूटी चले जाते हैं पर बाबू की छुट्टी 1:30 बजे होती है। तो अब बाबू निकल भी रहा है और इधर मेरे बीच में दूध वाले भैया भी आ गए हैं, तो मैं इधर दूध पहले ले लेती हूँ उसके बाद ही बाबू को निकालूंगी। और ऐसे तो बाबू पूरा कंप्लीट रेडी भी हो चुका है, बस जाने की देरी है, तो बाबू इधर निकल चुका है। तो अब मैं इसको पहले बाबू को बाइक कर देती हूँ और फिर मैं आ जाती हूँ इधर अंदर के अपने काम देखने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं बेड वगैरह समेटूंगी क्योंकि सुबह होता है कि उठते हैं सबसे पहले तो उठ के, तो सुबह सब बच्चे लोग सोए रहते हैं तो बेड तो समटाता नहीं है क्योंकि तीनों के तीनों उसके पापा दोनों बच्चे मेरे सोए ही रहते हैं। बस मैं उठती हूँ सुबह, उसके बाद सबसे पहले तो मैं उठ के पहले किचन जाती थी, पर आज से मेरा टाइम टेबल चेंज हो गया है तो पहले मैं उठ के तो पहले झाड़ू पोछा की, उसके बाद ही जो भी नहाई धोआई उसके बाद नाश्ता बनाई। तो आज तो मेरा काम बहुत जल्दी हो गया है और अभी कितने 9 बज रहे हैं क्योंकि बाबू का स्कूल रहता है, 9 बजे बाबू जाता है, अभी 9 बज रहे हैं और मेरे झाड़ू पोछा और मेरा नहाना धोना भी हो गया है और मशीन में मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं। और इधर मैंने एक रूम को तो समेट दिया है, मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ समेटने के लिए, और इसके पापा भी आ गए हैं बाबू को पहुँचा के। तो मैं इधर समेट के सारा रख देती हूँ क्योंकि सुबह में तो उतना हड़बड़ी में होता नहीं है, उठो तो आज तो मैं सब पहले नहाई हूँ तो और जल्दी लग रहा था कि कहीं मुझे नाश्ता बनाने में लेट ना हो जाए, पर ऐसा नहीं कुछ हुआ, मेरा नाश्ता भी आराम से बन गया, दोनों बच्चे भी आराम से टिफिन लेके चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो लगता है कि नहीं अब मैं डेली ऐसा ही करूँगी। और देखिए मेरा जो समेटा वमेटा हो गया, तब मैं आ गई हूँ नाश्ता करने के लिए क्योंकि अभी 9 बज रहे हैं और अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा होता था कि कभी मैं 9 बजे नाश्ता करती ही नहीं थी, नहाते धोते मैं हमेशा 10:30-11 बजे ही जाते थे। और हम लोग नाश्ता करके मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, तो मैं अपने लिए नहीं मेरे हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड जी के लिए चाय है, मैं पीती भी हूँ तो लेमन टी पीती हूँ। और ये जो मशीन वाले कपड़े हैं तो मैं इसको छत में डाल देती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोग को छत में कपड़े डाल के ही, उसके बाद मैं आप लोग से फिर मिलती हूँ। और मैं अभी छत में कपड़े डाल के मैं आ गई हूँ किचन,
क्योंकि मैं जब छत में कपड़े डालने गई थी इतना अच्छा धूप था, तो मैं आधा घंटा पहले धूप सेक के आई हूँ, क्योंकि नीचे तो आने का मन ही नहीं कर रहा था। जब धूप में रहो तो नीचे बिल्कुल आने का मन नहीं करता, पर मुझे तो खाना बनाना था, मेरे हस्बैंड जी को फिर ड्यूटी भी जाना है 12 बजे, तो इसलिए फिर मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो इधर मैं अंडा को फ्राई करने के लिए डाल दी हूँ, उसके बाद तो प्याज वगैरह सब मैं पहले ही कट करके गई थी, क्योंकि मैं सोची कि नहीं थोड़ा सा कपड़े डाल के थोड़ा सा आधा एक घंटा मैं थोड़ा सा धूप सेक लूँ, उसके बाद ही खाना बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आज तो मेरे काम थोड़ा जल्दी हो गए हैं, इसलिए सोची कि थोड़ा सा मैं आज छत में थोड़ा देर बैठूँ। तो इधर मेरे अंडे फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ जीरा और कुछ खड़े मसाले भी मैं डालती हूँ, जो गर्म मसाले के खड़े मसाले होते हैं उसको मैं डालती हूँ, चिकन हो चाहे अंडा और पनीर, मैं इसमें तीन सब्जी में मैं खड़ा मसाला डालती हूँ, और साथ में मैं इधर प्याज डाल दी हूँ, और मेरे प्याज फ्राई हो गए थे थोड़े से, तो मैंने डाल दिया है नमक, और अभी साथ में मैं टमाटर को भी काट के डाल दूँगी। पहले तो मैं टमाटर को साइड कर लेती, टमाटर और धनिया पत्ती को काट के मैं साइड कर लेती हूँ, और मैंने लहसुन और अदरक को काट के रखा है, तो मैं ज़्यादा अदरक तो ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बस कभी कभी होता है जब मन करता है तो डालती हूँ, वरना मैं अदरक नहीं डालती हूँ, और वो भी मैं लहसुन को भी कूट के डालती हूँ, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि अंडा में मैं उतना ज़्यादा नहीं डालती, चिकन वगैरह रहता है तो ही कुछ ज़्यादा डालती हूँ, और वैसे तो मैं इसे थोड़ा कम ही डाल के बना लेती हूँ। तो मैं इधर लहसुन अदरक के पेस्ट को डाल रही हूँ, वो भी कम ज़्यादा मात्रा में नहीं। तो देखिए मैंने सारे मसालों को डाल दिया था, लहसुन अदरक जो भी हो टमाटर मेरे सारे भुन गए हैं। अब मैं इसको इसमें पानी डाल देती हूँ, तो मैं अभी बहुत कम पानी डाली हूँ, क्योंकि मेरे जो मसाले हैं वो नीचे पकड़ रहे थे, इसलिए मैंने बहुत कम डाला है, और साथ में डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, तो मैं इसमें अब पानी डाल देती हूँ। और अब सारे चीज़ तो फ्राई हो गए हैं, तो ज़्यादा देर मुझे पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा सा क्या, मैं कुछ ज़्यादा ही डालती हूँ पानी, क्योंकि हमारे घर में जो भी सब्ज़ी बनती है रस वाली सब्ज़ी बनती है, क्योंकि हम लोग कोई भी सब्ज़ी हो रस वाला ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक साइड में इधर चावल भी चढ़ा देती हूँ, ताकि मेरे दोनों एक साइड मेरे सब्जी और चावल दोनों बनते रहेंगे। तो देखिए मेरे अंडा भी बन गए हैं, बस इसमें डालना है धनिया पत्ती, तो वो तो मेरे रसदार वाले अंडे बन गए हैं, तो मैंने डाल दिया है धनिया पत्ती, और इधर एक साइड मेरे चावल भी हो गए हैं शायद, और इधर देख लीजिए टाइम मैं दिखाती हूँ, तभी पूरे 12 बज रहे हैं, पक्का 12 बज रहे हैं, और मेरे खाना बन गए हैं। तो मैं इधर जो किचन था उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जो भी खाना, तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाई, मैं अंडा करी और चावल बनाई हूँ, और जो मॉर्निंग में मैं धनिया पत्ती की चटनी बनाई थी ढूसका के साथ, तो वो चटनी बचे हुए हैं, तो उसी के साथ में हम लोग खा लेंगे। तो पहले मैं ये सफाई कर लेती हूँ। मेरे किचन साफ़ हो गए हैं, तो मैं इधर खाना निकाल रही हूँ दोनों के लिए, मैंने कि मेरे हस्बैंड जी और मेरे लिए, क्योंकि खाना खा के फिर तुरंत मुझे बाबू को लाने भी जाना है, मेरे हस्बैंड जी को ड्यूटी भी जाना है, क्योंकि वो 1 बजे चले जाएंगे, और मुझे बर्तन तुरंत धो के फिर बाबू को लाना जाना पड़ेगा। तो इधर मैं रेडी तो नहीं हुई, मैं जैसे थी बस बर्तन धोई खाना खा के, और जैसे थी मैं वैसे ही जा रही हूँ, ड्रेस वगैरह मैं चेंज नहीं की, क्योंकि बस बाबू को जाना है फिर लेके आना है, इसलिए मैंने ड्रेस चेंज नहीं किया, सोची क्या ठंडा में बार बार ड्रेस चेंज करो, जो कपड़े गर्म हो जाते हैं फिर दूसरा पहनो ठंडे लगते हैं। तो इधर मैं बाबू को लेके आ गई हूँ, तो मैं बीच की वीडियो नहीं दिखाई, क्योंकि मैं बनाई भी नहीं थी बीच वाला वीडियो, तो ये बाबू को लेके आ गई हूँ, अब इसका ड्रेस वगैरह चेंज करके फिर मैं इसको खाना देती हूँ, और मैं आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, बस इतना ही रखती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।